साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा और मुद्दा है बड़े प्रदेश का बड़ा बजट, यानी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया और बजट को जिस हिसाब से पेश किया उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए। सरकार यहां पर 33 लाख करोड़ इन्वेस्टर समिट के निवेश को लेकर बात कही और साथ ही साथ तमाम समाज के तमाम वर्गों को यहां साधने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया। चाहे बिरवा योजना हो, चाहे विवाह योजना हो, चाहे सोलर नीति हो, चाहे गौवंश की रक्षा की बात हो, चाहे स्टार्टअप नीति की बात हो, चाहे मेट्रो परियोजना की बात हो और चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर बजट पेश किया गया। तमाम बिंदुओं को यहाँ ध्यान में रखकर यहाँ पर इस तरह की एक नीति बनाई गई है जो आने वाले समय में 3 प्रमुख मुद्दों को यहाँ घेरती नजर आएगी या उनको पूरे आवेश मिलेगी। कारण ये है कि जब तक इस बजट पर चर्चा नहीं होगी, कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट होती है कि बजट का माध्यम क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बजट बहुत अच्छा है, ना मैं कहता हूँ बजट बहुत ख़राब है, पर बजट जिस तरह से किया गया है, ये बजट उम्मीदों का बजट है, ये बजट विश्वास का बजट है और ये बजट चुनावी बजट भी है, क्योंकि निकाय चुनाव, इसके बाद अगले साल आम चुनाव और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रास्ते केंद्र की कुर्सी का रास्ता जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बजट पर जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हुए हैं, स्पष्ट करती है कि विपक्ष यहाँ पर अपनी भूमिका को निभाता नजर आ रहा है और निभाएगा भी, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर कमजोर नहीं बल्कि मजबूत भूमिका के रूप में उभर रहा है। तमाम मुद्दों पर सरकार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, बजट महत्वपूर्ण है, कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है वो किसान कल्याणकारी, जनहित में, मजदूरों के, मध्यम वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, किसानों के लिए, सभी लोगों के लिए एक बेहतर और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश और उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने वाला बजट है। और इस बजट से विपक्ष में खलबली मच गई है, क्योंकि विपक्ष लोगों का कल्याण नहीं चाहता है बल्कि लोगों के हित की जब बात होती है तो विपक्ष के छाती पर सांप लौटने लगता है। इस बजट से प्रदेश की जनता खुशहाल है, खुशी हो रही है, लोग खुशी मना रहे हैं। सभी वर्ग के लिए एक बहुत ही अच्छा और हितकारी बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय सुरेश खन्ना जी का इस बजट के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बजट जो है ये एक तरह से इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, गाँव के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लीपापोती की है। जैसे कहा कि 20,000 करोड़ जो है हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दो, पर एग्रीकल्चर को क्या दे रहे हो आप? गन्ने का फंड बनाओ 5,000 करोड़ का, जो मिल मालिक पैसा ना दे उसको पैसा दो किसान को और गन्ने उससे मैं ब्याज वसूल करो। आप ना तो मिल मालिकों से ब्याज दिलाते हो हमें, ना पैसा दिलाते हो, आप ये दिखावा कर रहे हो। नंबर दो ये कि आप कृषि आधारित उद्योग लगाओ, आप कपड़ा, दिया सलाई, लकड़ी से दिया सलाई बनती है, जूता, ये जो चीज़ कृषि आधारित उद्योग लगाओ उनके लिए बिना ब्याज के पैसा दो। आप ये कहो जो कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे उत्तर प्रदेश में लड़के, हम उनको 50-50 लाख रुपए बिना ब्याज देंगे, तो मैं इनकी तारीफ कर दूंगा। मैं खुद कह दूंगा योगी जी बड़े महान हैं, योगी जी गन्ने का फंड बना दे, मैं कह दूंगा योगी जी आपने अच्छा किया, जाए कि उनके यहाँ बधाई दे आऊँगा। पर गन्ने का फंड नहीं बनाओगे, गन्ने का पैसा पिछले साल का नहीं मिलेगा, उस पर 6 साल का ब्याज नहीं मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग नहीं लगाओगे, हमारा खेत भी मर रहा, हमारे खेत के लड़के भी मर रहे हैं, सीमा पर हमारे घरों के लड़के लड़ रहे हैं, खेत में किसान लड़ रहा, मिल के आ रहा 0 कटा लड्डू। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं अपूर्व रूकाडू, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपसे उनके फायरमैन प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तक अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी अपना पक्ष रखेंगे और आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में नामी ग्रामी आर्थिक विशेषज्ञ दिलीप यशवर्धन भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा विवेक श्रीवास्तव से, विवेक भाई बजट आया है और बजट के बाद यहाँ पर विपक्ष के बयान आ गए हैं, विपक्ष का कहना है आंकड़ों की बाजीगरी और ये बजट में कुछ नहीं है, केवल जनता के लिए लुभावने वादे हैं,
रेवड़ी हैं। धरातल पे कुछ नहीं होने वाला है, ना 33 लाख करोड़ का निवेश और ना इस बजट में, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बढ़ते कदमों से विपक्ष हताश और निराश है। जिस तरह से अभी पूर्व में इन्वेस्टर समिट में देश नहीं विदेश के भी उद्योगपति आए और उन्होंने भारी मात्रा में निवेश के लिए MOU साइन किया, वो ऐतिहासिक था। और योगी आदित्यनाथ जी ने उसी इतिहास बनाने के क्रम में जो आज का बजट उनकी सरकार में सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है जी, वो भी अभी तक का ऐतिहासिक बजट है जी। 6,90,242,43,00,000 रुपए का बजट आज सुरेश खन्ना जी ने विधानसभा में पेश किया है। और ये भी वो तरीके से कि जब पिछले साल कोई सरकार ने नया टैक्स प्रदेश की जनता पे नहीं लगाया। पूर्ववर्ती बजटों में देखा गया कि 33% ही अपने साधनों से प्रदेश सरकारें मुहैया करा पाती थी, शेष के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता था या केंद्र की ओर मुँह ताकती थी जी। इस बजट में करीब 45-46% प्रदेश के संसाधनों पर निर्भरता है जी। एक तो ये बहुत अच्छी बात है ठीक। और दूसरा, पिछली बार कोई टैक्स भी नहीं लगा, उसके बावजूद सरकार ने इतना बड़ा बजट पेश किया है। और इस बजट में सारे क्षेत्रों के लिए, सारी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में समाहित है जी। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, औद्योगिक विकास का विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेट्रो योजनाएं हों, पूरे प्रदेश को विकास की जो रफ्तार इस बजट से मिलने जा रही है वो ऐतिहासिक होगी। योगी आदित्यनाथ जी ने आज के माध्यम से जो ये बजट पेश हुआ उनकी सरकार के द्वारा, आज एक इतिहास बना दिया है जी। इस जनता के लाभ वाले बजट से विपक्ष हताश और निराश है, उसको समझ नहीं आ रहा कि इसमें बोले क्या। जैसे कि अभी मायावती जी का एक बयान आया कि ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा है, तो मायावती जी के बयान का हम भी स्वागत करते हैं। उनके आगे तो सब कुछ जीरा है, वो तो पूरी पार्टी अपनी खा गई, तो पूरे प्रदेश का बजट वो खा गई, उनका हाथी खा गया, तो ये तो बजट उनके खाई जाएंगे। हाथी के मुंह में जीरा बोलना चाहिए, वो तो जो वो कह दे वो सब ठीक है, उनके बात का तो हम कोई खंडन नहीं करते। अच्छा। वो तो पूरा प्रदेश का बजट खा के बैठे ही हुई है। अच्छा, तो उनके लिए उनके मुंह में जी रही है। अच्छा। अब इसी तरीके से जिन लोगों ने कहा कि साहब इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, वो बजट पढ़ ले, पूरी बजट का अध्ययन करने के बाद डिबेट में आए जी। अच्छा होगा जी। उस पर तार्किक बहस करें कि क्या कोई विषय छूटा हो तो आप बताएं, उसका संज्ञान हम ग्रहण करें। दो सवाल आपसे रहेंगे। 16 नीति के लिए केवल 317 करोड़, जबकि सौर ऊर्जा विकल्प के रूप में स्थापित होती नजर आ रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्टार्टअप नीति के लिए केवल 100 करोड़ का सीड फंड, कैसे इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी और स्टार्टअप नीति केवल सीड फंड के लिए केवल 100 करोड़ कैसे करें? देखिए ये साल भर का बजट है। अच्छा, अभी जैसे जैसे उस क्षेत्र में हमको अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू होंगे, सरकार उन क्षेत्रों में बजट बढ़ाती जाती है। अच्छा। जैसे अभी इसी बजट में हमने 14 नए मेडिकल कॉलेज का प्रावधान किया है जी। आज़ादी के इतने वर्षों में कितने मेडिकल कॉलेज बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य पे आए। भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, मैं आप ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। स्टार्टअप नीति में केवल 100 करोड़ रुपए, देखिए हमने कहा स्टार्टअप नीति में 100 करोड़ का जो फंड है, जब उससे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे उसमें सरकार बजट बढ़ाएगी। ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। बजट पेश कर देगी जी, अनुपूरक बजट में ला देगी। अनुपूरक बजट में भी होता है, ये बजट जैसे हमने जिस विषय के लिए बजट दिया उस क्षेत्र में हमें क्या रिस्पांस मिलता है उस हिसाब से सरकार आगे उस पे बजट वृद्धि का निर्णय करती है जी। ठीक है ठीक है। प्रवक्ता सभा रविंद्र प्रताप सिंह, रविंद्र भाई बजट आया है और इस पर शिवपाल सिंह यादव भी बोले, अखिलेश यादव भी बोले हैं, और अखिलेश यादव आज अपनी परंपरागत वेशभूषा से अलग यहाँ पर आज काले रंग की शेरवानी में नजर आए। शेरवानी का विशेष राज या बजट को लेकर कुछ अलग नीति, कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो आज तो बजट का विषय था तो किसी के व्यक्तिगत इको आ रहा है गौरव भाई जी। तो किसी के व्यक्तिगत ड्रेस पे बात करना उचित नहीं होगा जी। नहीं, अलग अलग था, मैं पूछ लिया आपसे, कोई व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, वो व्यक्तिगत उनका उनका ड्रेसिंग सेंस था तो उस पे हम आप नहीं कर सकते। आप हमसे पूछे जाओ गमछा लपेट के क्यों बैठे हुए हैं, तो हम इसका उत्तर खुद ही नहीं दे पाए। केवल अखिलेश यादव ही नहीं, आपके पार्टी के अन्य नेता भी काली शेरवानी में नजर आए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले को बीच में बोलने का रोग कैसे आया? अच्छा, रोग नहीं है। आप विषय को
मतलब अपने विषय को घुमाने की कोशिश कर रहे थे रविंद्र जी। विवेक जी की बड़ी गंदी आदत है, एक तो बीच में बोलते हैं खराब खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा धैर्य रख ले, सुन ले पहले, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। ठीक है, शुरू हो जाइए। देखिए गौरव भाई जी, वर्तमान बजट से पहले जी उत्तर प्रदेश सरकार 6 बजट ला चुकी है जी। अगर उन 6 बजटों को हम एक साथ कर दें तो 30,00,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान था जी। लेकिन जमीनी स्तर पर आम आदमी की हालत बद से बदतर होते चले गए जी। ये कैसे अभी मैं बताऊंगा जी। 2000 कितने नाकारा हैं ये बताने जा रहा हूँ। 2022-23 का बजट था 5,82,000 करोड़ का जी। ये केवल 50% खर्च कर पाए। इसको अगर 2 छमाही में बांट दें तो पहली छमाही में 32%, दूसरी छमाही में 18-20% जी। तो जो आगे बजट अभी ले आ रहे हैं उसके लिए क्या होगा मालूम नहीं, ये तो पता नहीं। छमाही समाप्त नहीं हुई है, इनसे कहिए, इनसे कहिए चुप रहे हैं, बोले मत। इनको बोलने का जो रोग है ना, अपने घर में जाके बोल लिया करें, चैनलों पे आके अपना ज्ञान मत झाड़ा करें। ज्ञान नहीं झाड़ रहे, पहले आप चुपचाप सुन लें कि आपके, अगर आपको कोई रोग है तो अपना इलाज करा लीजिए। अरे कोई रोग नहीं, आपको मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा अभी नहीं। और गौरव भाई सबको बराबर समय देते हैं तो चुपचाप सुन लीजिए। अब बजट आया है जी 2023-24 का जी। बजट से पहले मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया है जी कि उत्तर प्रदेश का जो 7वां बजट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन पे आधारित है जी। तो निसंदेह यह बजट कारपोरेट के लिए है। अच्छा, कारपोरेट के लिए, क्या बात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्य होता है वो कॉर्पोरेट के लिए होता है। अच्छा, तो यह कॉर्पोरेट के लिए बजट है। ठीक। अब इसमें 6,90,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, जैसे पिछले बार किया गया था 5,82,000 का जी। कितना खर्च कर पाएंगे ये तो अगले साल हम लोग बात करेंगे जी। अब इस पूरे बजट के दौरान जब माननीय वित्त मंत्री जी बोल रहे थे तो वो केवल 2 बात पे फोकस किए हुए थे, हमने पिछले 5 साल में क्या किया है और अगले 5 साल में क्या करेंगे जी। वर्तमान में फोकस ही नहीं था, खाली वर्तमान के आंकड़े पढ़ रहे थे जी। अब जरा बजट को एक मोटे मोटे नजरिए से देख ले। 3 सेक्टर है भारत उत्तर प्रदेश में। एक खाद्यान्न का है जो लगभग 17% देता है जी। एक रियल एस्टेट का है जो लगभग 16% देता है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है जो लगभग 12% देता है। ये 3 सेगमेंट मिलके लगभग 45% हमारे बजट को आय देते हैं। जब हम लोग हटेंगे तो बैठ के देखिएगा इन तीनों सेगमेंट के लिए क्या किया गया है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया गया है। हालत ये है खाद्यान्न के लिए कि अभी गेहूं का सीजन गया है, सब्सिडी की बीज राज्य सरकार नहीं दे पाई जी। ठीक है, अब जब बजट बनता है तो जो वर्तमान समस्याएं रहती हैं उस पे बनता है। सबसे ज्यादा प्रदेश में समस्या क्या है, देश में भी है लेकिन प्रदेश की समस्या क्या है, जवाब महंगाई चरम सीमा पे है जी। किसान बदहाल है जी। नौजवान बेरोजगार है जी। रोजगार मांगने में पिटता है जी। स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई पुरसा हाल नहीं है। इसका जो है स्वास्थ्य मंत्री जी जहां जहां जाते हैं वही बताते हैं कि यहाँ पर घोटाला हुआ, यहाँ घोटाला हुआ। अच्छा, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, टीबी के मरीज को 500 रुपया महीना दिया जाता है, ये सरकार वो भी नहीं दे पा रही है जो बड़े बड़े वादे कर रही है। पिछले 3 साल से नहीं दे पाई जी। पूरे बजट में, इस बजट में शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और वनवासियों के मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं है जी। अब हम इसको लागू कर विश्वास कैसे कर लें? चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, नौकरशाही पे कोई लगाम नहीं है। अभी कुछ घटनाएं हैं, मैं बोलूंगा तो बजट से अलग हो जाएंगी। इस पे ठप्पा भी लगता है किसका? नीति आयोग का। कैसे ठप्पा लगता है जी? कि जीडीपी प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश की देश में 28वें नंबर पर है, गरीबी में उत्तर प्रदेश 3रे नंबर पे है जी। और कुपोषण का शिकार करीब 45% जनता है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, और प्रति व्यक्ति आय
मात्र 3,72,722 रुपए है, इसमें 2,03,00,000 पाने वाले भी हैं। जी सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। अच्छा, अब सामाजिक स्थिति कल्पना कर लें, आपने भी देखा, हमने भी देखा, आपने रिपोर्टिंग भी की है आपके चैनल ने। जी पिछले साल एक अर्हता परीक्षा हुई जिसको पेट बोलते हैं, जिसे नौकरी नहीं मिलती है। जी 38,00,000 बच्चे अपने जिलों से 10-10, 12-12 जिले दूर सड़कों पर परेशान हाल घूम रहे थे। वो परीक्षा तो दे दिए, आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई। जी अब आते हैं औद्योगिक इकाइयों पे, औद्योगिक, और जब राष्ट्रीय स्तर पे हम देखते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, तो हम पहले 5 में भी नहीं आते हैं। अच्छा, तमिलनाडु पहला है, गुजरात दूसरा है, महाराष्ट्र तीसरा है, आंध्र प्रदेश चौथा है, तेलंगाना 5वां है। अच्छा, कारण भी है, जब यहाँ के MSME मंत्री जो इन औद्योगिक करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब वो 72 प्लाट लेके खुद ही बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। अच्छा, दूसरा, उत्तर प्रदेश को जो बड़ा राजस्व देती थी, दो कंपनियां देती थी, टेलको और TCS, जी इन, ये दो बंद पड़ी हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अच्छा, क्या आपने देखा इस बजट में कोई प्रावधान है? फिर दो बड़ी कंपनियां थी जी उत्तर प्रदेश सरकार की, जी स्कूटर इंडिया और अप्ट्रॉन। जी आज लखनऊ में अगर इतने संसाधन है चलने के, तो उसका मात्र कारण है स्कूटर इंडिया। और अगर शुरू में हम लोग टीवी खरीदने में सक्षम हुए तो मात्र कारण था अप्ट्रॉन। इस बजट में कोई प्रावधान? पिछले 6 साल के बजट में कोई प्रावधान? तो पूरा का पूरा जो बजट है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं है, मोदी जी के निर्देश में कॉर्पोरेट के लिए बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, इससे आम जन का कोई भला होने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है मोहम्मद तकी। आम आदमी पार्टी भाई, आप तो काफी इस बजट पर चर्चा करते रहते हैं, और संजय सिंह भी लगातार हमलावर रहे सरकार पर। बजट आया है, सभी वर्गों को लिए आप कुछ ना कुछ देने की बात कही जा रही है, चाहे महिला हो, चाहे कन्या भाई विवाह योजना हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे आवास हो, चाहे सोलर नीति हो, चाहे किसान हो, और चाहे सड़क हो, चाहे पेयजल हो, कैसे देखते हैं आप? देखिए, शायद जनता को फिर से ठगने का ख्याल आया है। चलो देखिए सरकार का क्या बजट आया है। ये बजट जो है जनता को फिर से एक बार ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए बनाया गया है, जबकि इस बजट का इम्प्लीमेंटेशन सड़क पे कुछ भी नहीं, जमीन पे कुछ भी नहीं। पिछले बार जो बजट आया था, जिसको हर बजट जो आया है भाजपा सरकार ने पिछले 6-7 सालों में, उस बजट को ऐतिहासिक बजट हमेशा कहा गया। तो अब बड़ा ही क्रांतिकारी बजट, बड़ा ही ऐतिहासिक बजट है, इसको पेश करने से, जमीन उतारने से पता नहीं क्या चेंज बदलाव आ जाएगा कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश जो है वो जापान बन जाएगा और सब बदल जाएगा। और जबकि यथास्थिति वैसे की वैसे ही है, और 50% जो है बजट जो है वो खर्च नहीं हो पाता। अच्छा। और उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हो जाता है। अच्छा, तो बजट दिखाया जाता है, इतना पैसा इनको मिलता है, उसके बाद ये उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह राज्यों में तो सरकार पैसा ठीक से नहीं दे रही है। अच्छा, दिल्ली में जो है सरकार जो है वो 22 है, केंद्र सरकार को पैसा नहीं ठीक से दे रही है, पंजाब को ठीक से पैसा नहीं दे रही है। अच्छा। जहां उत्तर प्रदेश में, जहां केंद्र में बीजेपी सरकार है, और पिछले 7 सालों से यहां भी सरकार है, और इनको लगातार सब बजट अच्छा पैसा मिल रहा है, उसके बाद इस पैसे को नहीं खर्च कर पा रहे हैं। अच्छा। 2017 में 3,84,000 करोड़ को मिले थे, 2018 में 4,28,000 करोड़ मिले, 2019 में 4,70,000 करोड़ मिले थे, और 2021 में 5,12,000, पिछली बार 5,50,000 रुपए मिले थे, जिनको बड़ा क्रांतिकारी बहुत बड़ा बजट बनाया गया था। और धरातल पे नहीं हुआ, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अभी आपने देखा इन्वेस्टमेंट समिट के ऊपर सरकार ने खूब धूमधड़ाका किया, बड़ी लाइट लगाई, पूरे शहर को डिस्को जैसा बना दिया कुछ एरिया को। आपको तकलीफ है क्या? तिथियां नहीं, हमें तकलीफ क्यों होगी भाई? अब आपका शहर सज गया तो तकलीफ है। डिस्को डिस्को बनाया कि देखिए यहाँ से वहां तक इतनी तितलियां लगी हुई है भाई, लाइट लगी, लाइट तो अच्छी बात है ना ये तो। आपने देखा तितलियां बहुत सी लगी हुई है, कुछ तितलियों की जो है लाइट चली गई, कुछ गायब हो जाएंगी। डिस्को में और साजसज्जा में अंतर होता है भाई, तो इसको बताइए उससे जनता को मिला क्या? आपने कहा ग्लोबल समिट में 4 करोड़ लाख का फंड जो है, मतलब आपने कहा बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बहुत लोग पैसा खर्चा करेंगे, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको सिर्फ आप 4 करोड़ का फंड दे रहे हैं पूरे साल में। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हमारे उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी इकोनॉमी की, जहाँ पे बनारस के अंदर कुटीर उद्योग है, जहाँ पे बनारसी साड़ियां बनती हैं, इलाहाबाद में कुटीर उद्योग है जहाँ पे काम होता है, गोरखपुर में है, मिर्जापुर के अंदर काम होता है, कालीन बनते हैं, सहारनपुर में लकड़ी काम होता है, पूरे प्रदेश के किसी न किसी जिलों में कुटीर उद्योग छोटा काम होता है, मिनसी भी काम होता है। अच्छा। उसके लिए सरकार सिर्फ 4 करोड़ का फंड दे रही है, जो बहुत कम है। हुँ। और उससे क्या होगा, कैसे नई इंडस्ट्री खुलेंगी? आपने खुद ही कहा
कि स्टार्टअप के नाम पे 100 करोड़ रुपए हैं और आप जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट समिट के नाम पे कितना पैसा खर्चा कर दिया आपने, उसका कोई अमान है? सुनने में आया 200-300 करोड़ रुपए सरकार ने एक इवेंट के लिए खर्चा कर दिए, तो उसका क्या जो बातें कही जानी कि हम इतना पैसा 33 लाख करोड़ का निवेश भी आया, 18,000 कहाँ निवेश आया? एमयू साइन हुआ है और 19,000 एमओयू साइन हुए हैं, एमओयू पिछली बार भी साइन हुए थे। वो धरातल अगर मैं कहता हूँ, चलिए इन्होंने जो कह रहे हैं इसका 10% भी अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए, लोग 20-25% कह रहे हैं, अगर 10% भी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जो एमयू होते हैं वो कमिटमेंट नहीं है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इसके लिए कोई कमिटमेंट में नहीं है, आप किसी को सू नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक पेपर है सादा सा लिख के दे दिया किसी ने। अच्छा, सादा लिख के दे दिया। इससे पहले कई बार जिन कंपनीज की खुद की वर्थ 20 करोड़ या 22 करोड़ से कम नहीं कम थी, वो 100-100 करोड़ के एमयू साइन करके चले गए। अच्छा, तो आप देखिए वो जो बातें की जा रही है, जो दिखाया जा रहा है, जमीन पे कितना आ रहा है। अच्छा, और खर्चा कितना हो रहा है? पिछले साल जो है ग्रामीण विकास का 28,000 का बजट था, सिर्फ 14,000 सरकार खर्च कर पाई। अच्छा, चिकित्सा का 44,383 करोड़ का बजट था, सिर्फ 27,000 जनता ये बीजेपी खर्चा कर पाई है। अच्छा, ऊर्जा में सरकार को 54,420 करोड़ में खर्चा करने थे, ये सिर्फ 32,893 करोड़ खर्च कर पाए। अच्छा, लोक निर्माण में इनको 27,470 करोड़ खर्च करते थे, 27,470 करोड़ इनको लोक निर्माण में खर्च करने थे, कितने खर्च किए? सिर्फ 7,517 रुपए। कितना कितना फर्क है, कहां 27,000 कहां 7,517। पंचायती राज में 16,378 करोड़ खर्च करने थे, इन्होंने खर्च किया 8,641 करोड़। सिंचाई में, सिंचाई जो बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर बहुत होता है उत्तर प्रदेश में, उसमें 13,774 करोड़ खर्च करने थे, इन्होंने खर्च किए सिर्फ 3,065 रुपए। आप सोचिए कितना कम है। पशुपालन में जहां इनको 2,575 रुपए खर्च करने थे, 2,775 करोड़ 2,700 करोड़ खर्च करते थे, ये सिर्फ 1,290 करोड़ खर्च कर पाए। अच्छा, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ग्रामीण विकास में, चिकित्सा में, ऊर्जा में, लोक निर्माण में, पंचायती राज में, सिंचाई में, पशुपालन में, जो मेन है किसी भी प्रदेश के, उसमें सरकार ने जितना कहा था उससे 4 गुना कम या आधा से कम खर्चा किया। अच्छा, अब ये सरकार बताए कि क्यों नहीं, जो पैसा अपडेट होने के बावजूद ये क्यों नहीं पैसा खर्च कर पा रहे हो, कितना भ्रष्टाचार है, जनता को उसको सुविधा क्यों नहीं पा रही है? दिलीप भाई, लगातार जो बजट आ रहा है उसका बजट जो है खर्च नहीं हो पा रहा है, और इसका मतलब हम लगातार पीछे चले जा रहे हैं 50%। चलिए ठीक, समीक्षा होगी। ठीक है दिलीप भाई, बजट कैसा है, आपकी क्या राय है, आपका विश्लेषण क्या बोलता है? बजट अच्छा है जी, बजट में कोई खराबी नहीं है, और बजट हमेशा ही ऐसा आता है, लेकिन सरकार हमेशा ये कहती है कि जो उसने कर दिया वो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा जी, और विपक्ष हमेशा ये कहती है कि सरकार को जो करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया, और जो किया वो गलत जी, ये दोनों ही बातें एक्सट्रीम हो जाती है। ठीक, इन दोनों के बीच में जनता होती है जिसकी अपनी नजर होती है। बिल्कुल, तो जो बजट का विश्लेषण है वो अगर जनता की नजर से किया जाए जी, तो ये सही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेशन हुआ है, जो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हुआ है, जो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के हुआ है, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए किया गया है, जो शिक्षा को लेकर के किया गया है, किसानों को लेकर के किया गया है, ये अल्टीमेटली है सब पब्लिक के लिए जी, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है गौरव जी, कि ये जो पब्लिक के लिए सरकार करने जा रही है, जिसके लिए 7 लाख करोड़ का बजट लेकर के आई है, ये 7 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां जी? जो बजट आपने पिछले साल से इस साल बढ़ा दिया जी, और बढ़ाने की वजह से जो आपका राजकीय घाटा पहले भी था, इस बार भी है जी, उस राजकीय घाटे को भरने के लिए जी, या जो बजट में आपका पैसा कम आता है उसको पूरा करने के लिए आप लोन लेते हैं, उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं जी, तो ये जो इंटरेस्ट भरने की कॉस्ट है, ये जो बजट का एलोकेशन बड़ा कर दिया है जी, इसका बोझा किस पर जाएगा जी? इसका बोझा तो अल्टीमेटली जनता पे ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जनता को, आम जनता को, इन जनरल जी, इन जनरल आम जनता को राहत देने वाला तो कोई काम इसमें नहीं किया। बिल्कुल, आपने कहीं से महंगाई पर तो कोई कमी नहीं करी कि हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स घटा देते हैं, हम डीजल पेट्रोल के दाम घटा देते हैं, हम बिजली के बिल कम कर देते हैं, हम थोड़ा सा जो स्टैंप ड्यूटी लगती है रजिस्ट्रेशन के ऊपर वो कम कर देते हैं, और एक्साइज जो हम स्टेट एक्साइज लेते हैं लिकर पे और टबैको प्रोडक्ट पे, वो तो क्या सरकार कम नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। तो जो आम जनता है, जो सबके लिए जरूरी है, जो खाने पीने की सब खरीदते हैं, और एक पेट्रोल डीजल की कॉस्ट बढ़ने से हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है जी, तो उस कॉस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए या जनता के हित में लाने के लिए तो सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। और ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है गौरव जी, कि जब आप खर्चा बढ़ाएंगे जी, तो आप खर्चा तभी बढ़ा पाएंगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी।
अगर बिना इनकम बढ़े आपने खर्चा बढ़ा दिया तो इसका मतलब शॉर्टफॉल, और शॉर्टफॉल भी है और खर्चा भी बढ़ाया है, तो वो पैसा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जनता की जेब से आएगा। बिल्कुल। तो जो डेवलपमेंट जिसको सरकार कह रही है वो डेवलपमेंट होगा, अनडाउटली होगा, लेकिन उस डेवलपमेंट की कॉस्ट अल्टीमेटली जनता के कंधे पर ही जाएगी जी, जो जनता के हित में नहीं है। जी ठीक है सुनील भाई। जी भाई बड़े पत्रकार हैं आप, और चूंकि जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम घट रहा है, कल ही विधानसभा सत्र में तमाम घटनाक्रम घटा, तो उसको अगर अंदाज कर भी दें तो यहाँ पर जो बजट आया है जिसको लेकर दिलीप भाई ने भी अपनी समीक्षा की है जी, और जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर, कहते हैं कि बजट बेकार है, केवल रेवड़ी वाला बजट है, आंकड़ों की बाजीगरी है, क्या राय? गौरव जी, जी आपने देखा होगा चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो जी, जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ताधारी पार्टी अपना बजट पेश करती है जी, तो उसपे उंगलियां हमेशा उठती हैं। आप बता दिए 70-71 सालों में जी, कोई बजट चाहे वो कांग्रेस रहा हो, चाहे वो भाजपा रहा हो, चाहे सपा रहा हो, चाहे किसी पार्टी रहा, राजनीतिक दल रहा हो जी, कभी ऐसा हुआ कि बजट बढ़िया है? अच्छा, एक बार भी अगर ऐसा हुआ हो तो आप बता दिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कभी ऐसा नहीं होता है जी। विपक्ष तो हमेशा, अगर भाजपा विपक्ष में बैठती है तो वो कमी निकालती है। अच्छा, और अब विपक्ष में समाजवादी पार्टी बैठी है तो आज अखिलेश जी के घर वेशभूषा में भी चर्चा नहीं करूंगा, उनका व्यक्तिगत जीवन है, चले ठीक है, लेकिन उससे भी एक संदेश लोगों में गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मेन बजट पे जी। देखिए गौरव जी, इस बजट से छोटे लोगों को तो वास्तव में फायदा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी, जो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी की आप न बिजली बिल घटा रहे हैं, मध्यम क्लास के लिए ये बजट फायदेमंद नहीं है, और कोई अगर उसमें फायदा मध्यम वर्ग को मिल रहा हो तो आप बता दिए। किसानों के लिए है, किसानों को तो हमेशा ठगा गया गौरव जी हर सरकार। अच्छा, मैं मानता हूँ किसान 70 साल से जहाँ खड़ा था थोड़ा सा धक्के में आगे बढ़ा है, बाकी बेचारा वहीं खड़ा है। आज ये स्थिति है किसान की कि किसान गन्ना बेच रहा है गौरव जी, हाउस चल रहा है, कोई विधायक माननीय चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के नहीं कहने वाले हैं कि कोई कभी आप ऐसा भी देखिए, आप माल दे आइए और आपको पैसा उस पर लिखा नहीं है। अच्छा, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा किसान साथ धोखा किया जा रहा है, इस पर समाजवादी पार्टी सहित अन्य राजनेता क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो पर्ची पेमेंट लिखा होता किसान का वो उस पर कोई पेमेंट नहीं लिखा है। अच्छा, किसान गन्ना देने लिए मजबूर है, क्या उसको भुगतान मिलेगा? ये असमंजस है। क्या कभी आपने देखा है किसी व्यापारी दुकान पर जाइए और सामान ले लीजिए उसका रेट निर्धारित हो? रेट निर्धारित होगा बाद में, गन्ना दीजिए आप पहले। तो मैं मानता हूँ कि ये सरकार और विपक्षी दल किसानों के साथ सभी धोखा कर रहे हैं। ठीक, कम से कम आप आइए तो। ठीक, दूसरी बात रोजगार की, गौरव जी रोजगार तो हर गवर्नमेंट में और ऐसे हाल रहा है, समाजवादी पार्टी रही तो व्यक्ति विशेष को अपने वर्ग को खाली नौकरी नाम पे नौकरी दी गई। अच्छा, और उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को भी यहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा कि एक वर्ग एक जात एक क्षेत्र लोगों कैसे नियुक्ति की गई जी। तो और सरकार कोई भी हो, 125 करोड़ लोगों को रोजगार कोई नहीं दे सकता है गौरव जी, ये स्पष्ट है। अच्छा, तीसरी बात देखिए, अभी हमारे मित्र रविंद्र प्रताप जी ने कही, दिलीप भाई बोल रहे थे कि जो बजट है जो लाए तो 7 लाख करोड़ का बजट, 6 लाख 90 हजार करोड़ का बजट है जी, ये पैसा लाएगी कहाँ से? नहीं, ये तो भाई बजट बजट में जो पैसा आता है गौरव जी, वो तो जनता ही देती है, चाहे जिस टैक्स के रूप में दे, चाहे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, चाहे इनकम टैक्स, चाहे जो भी टैक्स दे, सरकार के पास फंड लाने की कोई व्यवस्था है? जो टैक्स हम लोगों को लगता है उसी से देश प्रदेश का विकास होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप बजट ज्यादा ले आए हैं, आपके पास खर्चे ज्यादा हैं, आय कम है जी, तो कहीं ना कहीं उसको तो मीट आउट आप करेंगे ही जी, और नहीं करेंगे तो आपकी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है बजट बाद जनता के ऊपर फिर कोई टैक्स लगा दिया है। अच्छा, गौरव जी आज एक छोटी सी घटना बताऊंगा आपको कि बिजली विभाग में अब 5,000 रुपया अगर आप बकाया रह गया है तो आपकी बत्ती काट दी जाएगी, अंधेरे बैठ जाएंगे। ये भाजपा सरकार है वर्तमान में। अच्छा, मैं एक एसडीओ साहब पूछा, बिल चढ़ाती रहे, बिल चढ़ाती रहे, नहीं नहीं तो 5,000, अरे 5,000 तो मौका दे दीजिए किसी आदमी को, इतना तो उपभोक्ता विश्वास है कि नहीं है। अच्छा, वो आपको 2,000-1,500 दे आता है, उसके बाद कनेक्शन होता है उसका। अच्छा, तो वो विश्वास है, लेकिन अगर 5,000 रुपए ऊपर किसी पास हो रहा है, इस व्यवस्था में मध्यम क्लास गौरव जी सबसे परेशान है। अच्छा, आप खाद्यान्न दे रहे हैं, लोअर क्लास लोग तो बहुत आराम से रहने, कोई दिक्कतें नहीं है, और उसका परिणाम यह है, मैं फिर कहना चाहूंगा गौरव जी कि आज चावल लोग खा नहीं रहे हैं, मंडियों में बेच रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? कम से कम उस चावल को जो मंडियों में बेचा जा रहा है, कौन बेच रहा है बता दीजिए? अरे व्यापारी नवीन गल्ला मंडी में। अच्छा, मैं दावे के साथ चैनल पे आप कह रहा हूँ कि अगर वहाँ डीएम कमिश्नर रोज छापा मार दे तो 2-3 ट्रक रोल लद रहे हैं एक छोटी सी मंडी,
और उत्तर प्रदेश में कैसे ऐसा हो रहा है, वही चावल जो है फिर FCI खरीद लेती है, फिर गवर्नमेंट देती है, वही चावल पब्लिक में आ रहा है। तो ऐसा खाद्यान्न बात करके आप क्या चाह रहे हैं देश के साथ? या तो उस पर एक्शन लीजिए आप, जो चावल बेच रहे हैं इसका उनको आवश्यकता नहीं, बंद कीजिए उनका। अगर नहीं बंद कर रहे हैं तो ये बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? ये पड़ रहा है मीडियम क्लास ऊपर। गौरव जी, बहुत गंभीर मामला। बजट कैसा, बजट कैसा है? देखिए बजट तो देखा जाए तो फिलहाल तो ठीक है, लेकिन मध्यम क्लास के लिए मेरा मानना है कि इसमें हमारी समझ से कुछ नहीं है। मध्यम क्लास के लिए सुमंगला विवाह योजना जी, कन्या विवाह योजना, विधवा पेंशन योजना जी, इसके अलावा तमाम तरह की योजना, आवास योजना जी, पेयजल योजना जी, किसके लिए भाई? गौरव जी है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा लोगों को। अच्छा, अभी आपने देखा बजट पे कितना पैसा सरेंडर हो रहा है। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि जितना काम हर सरकार में, कोई मैं भाजपा बात नहीं कर रहा हूँ, जब मार्च महीना आता है तो भूत तरह लोग काम करते हैं। अच्छा, कि किसी तरह से फंड खत्म हो हमारा। अच्छा, ट्रेजरी से आप पूछ लीजिए कि जितना पेमेंट उसको जनवरी फरवरी मार्च तक होता है उतना पेमेंट पिछले 7 सालों में, 7 महीनों में नहीं होता है। बजट को क्या, बजट को क्या नाम देंगे? चुनावी बजट, उसी में चुनावी बजट, उम्मीदों का बजट, यार नाकाम बजट। नहीं, नाकाम तो मैं नहीं कहूंगा, चलिए कई इसमें योजनाएं अच्छी भी हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोग चुनावी बजट बोल रहे हैं, चुनावी बजट बोल दिया, चुनावी बजट तो चुनावी बजट ही है, तो चुनाव आ ही रहा है जी, तो जाहिर सा चुनावी बजट, मेरा बजट नहीं है। अरे उम्मीद तो दुनिया का है गुरु जी। अच्छा, उम्मीद तो हम यहाँ बैठे। चले ठीक है, चले ठीक है, बात आ गई, बात आ गई, बात आ गई, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए रमेन जी, बार बार जिस विषय को उठा रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बना कॉर्पोरेट बजट, कॉर्पोरेट का बजट है जी, मैं इसमें इनको स्पष्टीकरण दे दूं जी कि इसमें मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना के अंतर्गत जी पंजीकृत महिला श्रमिक संस्थागत प्रसव की दशा में जी न्यूनतम वेतन संतुल धनराशि एवं रुपए 10,000, 1,000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को 6,000 रुपए एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान है। ठीक, कॉर्पोरेट के लिए है क्या? कॉर्पोरेट के लिए है, रविन भाई बता दीजिए। अधिकतम 2,000 शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एक मुश्त 20,000, लड़की पैदा होने पर 25,000, कौन सा कॉर्पोरेट लेने आएगा इसको रविन जी? जी, तो इस तरह की देखिए सतही आरोप नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल, आप तार्किक बात करिए, कोई विषय अगर बजट में छूटा रह गया हो जी, कोई वर्ग का ध्यान ना रखा पाए सरकार, तो आप उस पे आए जी। कोई किसी अगर मत में लगता है ज्यादा व्यवस्था की गई बजट में, हाँ, आप कटौती प्रस्ताव पेश कर उस पर चर्चा हो। बिल्कुल, लेकिन ये सतही तौर पर कह देना। बताइए इसमें जो आप 21 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में जी, ये कौन से गरीब एयरपोर्ट पे जाएंगे? किस एयरपोर्ट में? एयरपोर्ट बनाने काम के एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट एयरपोर्ट गरीब कौन से जाएंगे? कॉपरेटिव का काम है, आपने पूछा ना कौन सा कॉपरेटिव बजट है, मैंने 21 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं आप, और MSC में आप 4 करोड़ में खर्च कर रहे हैं खाली। भाई बात तो सुन, हम MSC 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, आप कहिए उसमें अडानी जी का इलाज होगा, प्राइस कर देंगे उसको, हिसाब एयरपोर्ट कर देंगे, बोल दीजिए अडानी जी का इलाज होगा उसमें, कैसे अडानी जी का इलाज, इलाज अडानी चला देंगे, कैसे एयरपोर्ट अडानी चला रहे हैं उतना से, वो सरकारी तरह से क्या बात है, ये क्या बात है, सुन ली सुन ली, हम तो आप प्राइवेटाइजेशन में बहुत जोर दे रहे हैं ना, हर जिले में निजीकरण गलत है क्या? प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था के तहत हमने 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की, प्रस्थान किया जी, 2 नए विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं। अब आप हर चीज पे अगर यही अडानी और अंबानी किरट लगाए रहेंगे तो बेहतर हो एक माला ले लीजिए, दिन भर फेरते रहिए, कृपा बरसेगी आपके ऊपर। विवेक जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अरे आप माला फेरते रहिए, जिसकी जिसका नाम लेंगे उसकी कृपा बरसेगी, इंतजार करिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा हो रही है जी, बजट ऐतिहासिक उम्मीदों वाला बजट है जी। और रही बात देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से औद्योगिक प्रदेश बनने के रास्ते पे जी, है जी, और पूरे दुनिया से इन्वेस्टर्स आए हैं और इतना बड़ा उम्मीद साइन हुआ है जी, लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी जी, तो ऐसे में सरकार की तो जिम्मेदारी है कि बुनियादी ढांचे का विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, तमाम लिंक रोडों बजट डाला जा रहा है, तमाम एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे जी, नहीं क्या आप समझते हैं कि गाँव की हुरिफ की फैक्ट्री लगेगी क्या जी? तो ये सब सारी चीजें जी। अच्छा विवेक भाई जी, विपक्ष को दर्द बहुत है, दर्द इस बात का है कि विपक्ष को लग रहा है कि सब काम भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा कर रही है कि हमारे पास अच्छा, तो करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। डिस्को बना रहे, बोला डिस्को लग गया है झांसी जी, लखनऊ डिस्को बन गया है, तितली लगी हुई है, बहुत दर्द है विपक्ष को। ये तो इनका इनके इनके शब्द का चयन है। देखिए जिस तरह से विकास को पंख लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के,
अगर इनको देखना होता तो तितली के पंखों में विकास के पंख देखते हैं। अच्छा। इसको समझ में आ जा कि ये लोग उसी संस्कृत के लोग हैं। इन्हें देखिए जी, जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तन जैसी। अच्छा। हम उसमें विकास का पंख देखते हैं, ये इनको डिस्को समझ में आता है जी। तो हम इसका क्या करें? तकरीबन बोलिए, कुछ बोला जाए। एक जी से मैं पूछना चाहता हूँ जी, बहुत ही सम्मान के साथ, मैं इनके बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत सीखने को इनसे मिलता है जी। विवेक जी, 2017 में जो उत्तर प्रदेश का बजट था वो 3,84,000 करोड़ का था। अच्छा, सही है बात। आज जो है 2021-22 में बजट हो गया 5,50,000 करोड़ का, खर्च सिर्फ 50% हुआ है, 52% 52-50 में क्या फर्क पड़ता है जी? अगर उसको माइनस कर दे 2,70,00,000 करोड़ का बजट रह जाता है। अच्छा, यानी कि आप 2017 में जो बजट था उससे भी कम आपने एक्चुअली खर्च किया है जी। आप आंकड़ों में इसको इतना बढ़ा के चढ़ के कर दिए, लेकिन हमें तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश तो पीछे जा रहा है। अच्छा, कि हमने जो पैसा खर्चा किया है वो 2016 से भी कम खर्चा किया है 2021-22 में जी। तो आप कैसे कह रहे हैं बड़ा विकास वाला बजट है? क्योंकि भाई जो पैसा खर्चा किया गया, इम्प्लीमेंट हुआ है, वही इसको बजट मानेंगे। जी, जो बचा रह गया उसको बजट थोड़ी जवाब दीजिए भाई। फिर आप कैसे सरकारों से, आप कैसे मिनोरिटी कमीशन का आपने बजट कम कर दिया, मिनोरिटी कमीशन का बजट कम कर दिया। सरकार ने तर्क दिया था कि इनको इतना बजट दिया जाता है ये खर्च नहीं कर पाते। अच्छा, तो उस वजह उसका बजट उन्होंने 50-60% कम कर दिया। माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया उन्होंने लास्ट टाइम, जो केंद्र सरकार ने जो माइनॉरिटी बजट था, केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें, अभी जो आया है उसमें उन्होंने माइनॉरिटीज का बजट कम कर दिया। तर्क ये दिया था कि ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मैं भी तर्क दे रहा हूँ आपकी, उत्तर प्रदेश सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। अच्छा, क्यों बजट आप बढ़ाए जा रहे हैं अपना? अच्छा, जल्दी जवाब देखिए गौरव जी, जी जिस आंकड़े को ये लोग लेके बैठे वो जनवरी माह का आंकड़ा है। अच्छा, अभी पूरे सरकार के पास आज का आंकड़ा नहीं है जी, ये पूर्व का आंकड़ा है जी। पूरा फरवरी बचा, पूरा मार्च बचा। अभी सुनील जी ने बहुत स्पष्ट भाषा में कहा जी कि सरकारें बजट का मैक्सिमम पार्ट जी लास्ट महीने में सारी सरकारों में दिखा गया है जी। अरे सर, मई फरवरी चला गया सर, ये मेरी बात मार्च आ रहा है। ये फरवरी का आंकड़ा नहीं जो आप लेके बैठे हैं, ये भी जनवरी का, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। लेटेस्ट नहीं है, आप कंफर्म कर लीजिएगा जी। तो इसमें अभी 2 महीना पूरा शेष है जी। मैं कहता हूँ ठीक है, 100% नहीं होगा जी। अगर हम 75% बजट भी कंज्यूम कर रहे हैं जी, तो आप डिक्टेंशन तो देंगे सरकार को। अच्छा। और रही बात जो भी कमी रही है उसके लिए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। अच्छा। मंत्रियों अधिकारियों को बुला के पेश करने का भी काम हो चुका है। अच्छा। हमारी सरकार हर मुद्दे पे सचेत रहती है और काम करती है। अच्छा, ये एमएससी पे आपने बजट 4 करोड़ रुपए फंड क्यों दिया? एमएससी तो आपकी रीढ़ की हड्डी इकोनॉमी की, सारे लोग उसमें लगे, उत्तर प्रदेश का व्यापार उसमें लगा हुआ है, कारीगर लगा हुआ है, जो जितने भी लोग टैलेंटेड हैं उसमें लगे, वो कितना बजट कम क्यों कर दिया? 4 करोड़ क्यों कर दिया आपने? ठीक है, जब उसको आपको कई 1,000 करोड़ करना चाहिए था। विवेक सिंह जवाब दीजिए। देखिए उसमें देख लिया जाएगा। अरे 4 करोड़ है भाई, आप कह रहे हैं देख लिया जाएगा कितना बजट पिछले हुआ, कितना। रविंद भाई बोलते मुस्कुराहट की बात, आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, सरकार की प्रवक्ता सपा रविंद प्रताप से मुस्कुरा रहे, उनकी बात भी ले लूं। रविंद भाई, मेरे कॉर्पोरेट कहने पे ऑब्जेक्शन किया जरूर करना चाहिए जी, क्योंकि हमारे विपक्ष में है, हम उनके विपक्ष में जी, बोलिए। तो स्वागत है इसका जी। कॉर्पोरेट इसलिए कहा जा रहा है जी कि पिछले साल का बजट जो था 5,83,000 करोड़ रुपए था जी, बिल्कुल। जो टोटल बजट खर्च किया है इन्होंने जी, ये मेरे ख्याल से इधर पिछले 15 साल का सबसे न्यूनतम खर्चा है, लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। और ये 2,90,000 करोड़ में से जो भी मैक्सिमम काम हुए हैं वो सारे कॉरपोरेट आधारित काम हुए हैं। अच्छा, इस बार भी जो भी बजट में बनाया गया है, एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हवाई अड्डे बनाएंगे जी। दो उदाहरण दिया अभी विवेक जी ने जी, बच्चे पैदा होने पे इतना पैसा देंगे और शादी होने पे इतना पैसा देंगे। ठीक, ये जब 1951 में बना था तब से ये रीत चली आ रही है, इसको नहीं जोड़ना चाहिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जोड़ने जा रहा हूँ। जोड़ दीजिए। लगातार बिजली पे चर्चा हो रही थी जी, बिना बिजली के ना तो औद्योगिक उत्पादन होगा ना देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, हमारा जो पिछले साल का पीक वैल्यू रिक्वायरमेंट था जी, आवश्यकता थी वो 24,000 मेगावाट की थी। हम जो पैदा कर पाए, उत्तर प्रदेश सरकार जो पैदा कर पाई जी, वो 11,000 मेगावाट था जी, और 14,000 मेगावाट हमने सेंट्रल पूल से खरीदा। ठीक है, अब इस साल जो लगातार चर्चा हो रही है जी, दो प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं जी। एक तो चर्चा ये हो रही है कि केंद्र सरकार से हम 14 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदेंगे। ठीक, ये मुख्यमंत्री ऑफिस से आई हुई सूचना है। ठीक,
दूसरा बिजली का बिल 23% 15% से 23% बढ़ाने की तैयारी चल रही है। दूसरा रोडवेज पे 20% का किराया बढ़ाया जा चुका है। तो ये महंगाइयां तो ये बजट से पहले ही ला चुके हैं इसको रिकवर करने के लिए। अच्छा, अगर अगर इनको महंगाई कम करनी होती जी तो सबसे आसान तरीका होता है जी कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल की जी, डीजल की, पेट्रोल की, मिट्टी के तेल की या उससे रिलेटेड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जी, उस पे वैट प्रदेश सरकार देती है लेती है। वैट कम कर देते, वैट कम कर देने के साथ में ही काफी नीचे हद तक नीचे आ जाती, क्योंकि जो नेशनल महंगाई है उसको आरबीआई बढ़ा चुकी है रेपो रेट बढ़ा के। अच्छा, तो उस पे प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं है ठीक, लेकिन वो वैट कम करके महंगाई को कम कर सकती थी, नंबर एक चीज था। दूसरा, अपने जो खर्चे हैं प्रदेश सरकार के, अखबार में विज्ञापन जी, एक अभी इन्वेस्टर समिति हुई 6 दिन तक विज्ञापन छपा। अच्छा, चार चार पन्ने का विज्ञापन छपा और खाली उत्तर प्रदेश के हर जन मतलब हर प्रकाशन स्तर पे ही नहीं छपा, दिल्ली में भी छपा। अच्छा, तो अपने खर्चे भी कम करने चाहिए थे इनको, दिखाई पड़ता हम स्वागत करते। हम अभी भी कह रहे हैं जी, आप कह दीजिए हम अपने खर्चे कम कर देंगे, हम स्वागत करेंगे आपका। अच्छा, आपको इन्वेस्टर समिति से दिक्कत है कि प्रचार से दिक्कत है? देखिए, बात बजट की चल रही है तो मैं इन्वेस्टर समिति पे चर्चा करना पसंद नहीं करूंगा बिल्कुल भी। जो लोग भी कर रहे हैं वो बजट को डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ। जो लोग भी कर रहे हैं वो बजट बजट के डिस्कशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिति का बजट से लेना देना नहीं होता, इन्वेस्टर समिति समितियां चलती रहती है। मुद्दा तो आप ही उठा रहे हैं, और इन्वेस्टर समिति जो है। हाँ तो छोड़ दीजिए, हम मुझे नहीं चर्चा करनी है क्योंकि इसका बजट से कुछ भी लेना देना नहीं। बजट मुद्दे पे आइए, लेकिन जब बजट पेश किया गया था तो उसमें इन्वेस्टर समिट को कोट किया गया था। बजट की बात कही क्योंकि यहाँ पर बजट का सरकारी बोली है, तुझे यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव बोले हैं कि कॉर्पोरेट के लिए आप बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट का आरोप लगा रहे हैं। कॉर्पोरेट के लिए कौन सा यहाँ पर प्रावधान किया है, कॉर्पोरेट के लिए क्या किया गया है, तो उसकी जानकारी। जितने भी प्रावधान है जी, जो जन कल्याणकारी केंद्रीय योजनाएं हैं जी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अच्छा, उसमें से 90% योजनाएं आज तक चल रही हैं जी। उनको छोड़ के जी, उनको छोड़ के मेट्रो बना रहे हैं। रोप वे बनाना जरूरी है क्या उत्तर प्रदेश में? अच्छा, गजब बात करते हैं, रोप वे बनाएंगे ये जी। अभी एक रोप वे का मोरबी में हादसा नहीं देखा क्या इन्होंने? भूल गए होंगे। तो रोप वे बनाएंगे जी, सड़कें बनाएंगे जी, हवाई जहाज कई यात्रा जनता को कराएंगे, जो चप्पल नहीं पहन सकता उसको यात्रा कराएंगे। अच्छा, अरे 30 रुपए तनख्वाह, 30 रुपए महीना तो हम कमा नहीं पा रहे हैं। आप ये सब बना के जी 450 करोड़ रुपए का आप बनाइएगा जी हवाई अड्डा जी, फिर अडानी साहब को दे दीजिएगा 250 करोड़ में। विवेक भाई क्यों आप हवाई अड्डा बनाते हैं, अडानी साहब को देते हैं? विवेक भाई जयपुर में हो, जवाब दीजिए भाई, लगातार आरोप लगा रहा है कॉर्पोरेट बजट के लिए। गौरव जी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र को अडानी के नाम रखने का शौक लग गया है। जिनको शौक लग गया है, देखिए जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपए जी बतौर सावित जमा 18 वर्ष तक जी, ये अडानी की लड़की को मिलेगा क्या? अब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो इनको लगता है कि मेरे शब्दों का चयन खराब है जी। ये ऐसी बात कर रहे हैं जी, ये अडानी अडानी रटते हुए बजट पे चर्चा पे आना नहीं चाहते। अच्छा, अब ये अगर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने तो कहते साहब अडानी दे देंगे। अच्छा, एयरपोर्ट बने तो कहेंगे साहब अडानी दे देंगे। एक्सप्रेस वे बनेगा तो साहब अडानी चलाएंगे। तो अगर इस तरह की इनके मन में बातचीत है तो फिर इनको मैं क्या तर्क दे दूं? अच्छा, जिस तरह का बजट आया है समाज के सारे वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। आपको अगर लगता है कोई वर्ग अछूता है तो आप उसको दीजिए, बजट पूरे प्रदेश का है। प्रदेश में किसान भी है, मजदूर भी है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बेरोजगार भी हैं, उद्योगपति भी हैं, और सबके बिना उद्योगों के रोजगार नहीं मिलेगा। कौन सा ऐसा एक्सप्रेस वे आपने बनाया जिसके ऊपर बिना टोल्स के आदमी चल सकता है? सब जगह तो पैसा ले रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल पे वैट के दायरे में नहीं जाना, वो महंगा किया हुआ है। कौन 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 व्यक्ति है जो भारत की
जो उत्तर प्रदेश की 80% जनता के पास टू व्हीलर नहीं है, उसके पास उसका आपने बस में किराया बढ़ा दिया है, तो हर तरफ से तो आप मार रहे हैं। केबिल केबिल किराया बढ़ा दिया, केबिल के जनरल आ रहे हैं, टीआरआई बढ़ा दिया गया आपको, आपने नंबर पे सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी नंबर पे बढ़ा रहे हैं। कहां कहां जनता को ठगेंगे आप, कहां कहां जनता पैसे लेंगे भाई? जनता की एक आमदनी है, जनता की एक आमदनी है, उस जनता की एक आमदनी से उसको कितनी बार विवेक श्रीवास्तव जी दोहा जाएगा कि जनता परेशान है, जानना चाहती है किस किस माध्यम से, गैस के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के माध्यम से, टीआरआई के माध्यम से, स्कूल की बड़ी फीस के माध्यम से, बसों किराए के माध्यम से, 500 नंबर सूची है, 500 की मैं गिना दूंगा भी आपको। ये तनख्वाह से आदमी कहां कहां बढ़ते, अमूल का दूध महंगा हो रहा है, मक्खन ब्रेड महंगा हो रहा है, दही महंगा हो रहा, पनीर के रेट बढ़ गए, दही 20 रुपए महंगा हो गया किलो, पता है आपको? दो दिन में इधर जी सब मुर्गा मंडी सब महंगा होता जा रहा है, कहां से जनता बोल उठाएगा सब? विवेक भाई जल्दी बताइए। देखिए देखिए गौरव जी, जी इन्होंने जितने विषय उठाए, देखिए झूठ बोल रहे हैं क्या? स्टेट बैंक पूर्व में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बोलते सही रहा है, महंगा हुआ है, मैं भी लेता हूँ दूध दही। रुक जाइए, उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व में स्टेट बैंक में कमी कर चुकी है, अन्य प्रदेशों की सरकारों ने उस अनुपात में कमी नहीं किया। अच्छा, आज भी डीजल पेट्रोल उत्तर प्रदेश में सस्ता है, इसी तरीके से कांस्टेंट हो गया, सस्ता का कांस्टेंट हो गया, अन्य प्रदेशों के लगता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल ना ऊपर हो रहा ना नीचे हो रहा, कांस्टेंट हो गया। उसका रीजन ये है कि कांग्रेस की सरकार चुनावी कांस्टेंट समझ में नहीं आ रहा है, ऑयल बॉन्ड दे के गए हैं, अरे वो ऑयल बॉन्ड भर चुके हैं, अरे रुक जाइए, उसी पे ऑयल बॉन्ड बाजार में जी, और जो भी जो जो विषय आए सब पे जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। अब ये उठा रहे हैं साहब दही पे दूध पे, केबिल महंगा हो गया, अब केबिल वाले खंबे केबिल लगाते हैं, अगर हमारी नगर पालिका उसका टैक्स का प्रावधान करती है, खंबों पे उसका किराया मांग रही है, तो क्या गलत मांग रही है? पर केबिल वाले कौन सा टैक्स देते हैं? तो अगर उनको टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है, तो इसमें आपको ये सरकार की काबिलियत है जो उसने नए क्षेत्र डेवलप किए, बिल्कुल, और सरकार अपने संसाधन बढ़ा रही है जी, और पहले 33% केवल सरकार अपने संसाधनों से, आप सुनने में आ रहा है सरकार नए आधार कार्ड बनवा रही है, उस बहाने फीस जमा करेगी, नए आधार कार्ड बनाने की फीस नहीं लगेगी। एक एक विषय दीजिए, एक एक विषय सब जवाब लेते जाइए। अगर नंबर प्लेट हाईटेक लग रही है तो आपकी गाड़ी सुरक्षित है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ढूंढी जा सकती है हाईटेक नंबर प्लेट के माध्यम से, इसमें आपकी सुरक्षा है, सरकार को भी सुविधा है, गाड़ी कहीं भी टेस्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन भी आसानी से टेस्ट कर लेगा, अगर आप सुविधाएं बढ़ रही है। रुक जाइए, आपने एक्सप्रेस वे का विषय उठाया, अगर उन पैसों से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और उस पर टोल लिया जा रहा है, तो उन टोल से उस एक्सप्रेस वे का निर्माण भी होता है, उन एक्सप्रेस वे में सुविधा बढ़ती है, उसकी मूलभूत सुविधाएं कायम रहती है। अच्छा, तो अगर एक समय था गौरव जी, जी कि हम लोग अपने जिलों से लखनऊ आने के बारे में जी सोचते थे, तो कम से कम 8 घंटे का यात्रा सोचते थे। पिछले 7 साल में आपने कौन से टोल रोड जो है टोल फ्री किए, तो मुझे बताइए कौन से एक्सप्रेसवे को आपने टोल फ्री किया है या टोल पे किराया बढ़ाया है? पंजाब में आम आदमी सरकार ने बहुत से टोल फ्री कर दिए गए, फ्री कर दिए, पैसा वापस नहीं ले जा रहा, आपने पिछले आपने लागत निकल आई है, 7 साल में कौन से टोल लागत निकल आई होगी, कम किए हैं, रेट घटाए, आप लगातार रेट बढ़ा रहे टोल टैक्स के ऊपर जी, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है पंजाब की, पंजाब एक छोटा सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अगर आप तुलना करेंगे, उत्तर प्रदेश दुनिया के 6ठे नंबर का देश है, यहाँ पे 6ठे नंबर की आबादी निवास करती है जी, तो उत्तर प्रदेश की तुलना आप करिए मत जी, लेकिन पंजाब और दिल्ली जीएसटी कलेक्शन में सब दिल्ली से आप यहाँ आगे है, आप बात सुन लीजिए, दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली में विकास सैचुरेशन के पॉइंट पे पहुंच चुका है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी विकास के लिए बहुत से अवसर है, विकास बढ़ रहा, दिल्ली मत मानिए, दिल्ली विकास बहुत बढ़ गया है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलते रहिए विकास हुआ है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, दिल्ली में कहाँ आप सड़क बनाएंगे, जो पुरानी बनी उनकी रिपेयर कर देंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश की स्थिति नए शहर डेवलप हो रहे हैं, नए टाउन प्लान वो बन रहे हैं, ये उनमें डेवलपमेंट के लिए पैसे की नीड है, दिल्ली सैचुरेट है, लग रहा है क्या तो लगा नहीं पा रहे, 52% एक महीने के अंदर आप 50% बचा कर देंगे, एक महीने अभी उसके ये जनवरी का आंकड़ा, अभी इसके आगे 2 जनवरी फरवरी आज साल खत्म, आपके आंकड़े ठीक नहीं लगे भाई, आपके आंकड़े ठीक नहीं लगता है, जिस तरह से सैयद मोहम्मद तकी और सुनील भाई ने आपकी बात का कहा था कि बजट तो बेहतर है, पर आपने जो महत्वपूर्ण बात बताई पैसा कहां से आएगा, हालांकि विवेक श्रीवास्तव ने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक भाई
जवाब दीजिए दिलीप भाई की बात करो, दिलीप भाई की बात। दिलीप जी ने जिस प्रश्न को उठाया है उस प्रश्न का उत्तर स्वयं मुख्यमंत्री आज दे चुके अपने प्रेस में। अच्छा, कि पहले 33% तक ही संसाधनों से प्रदेश अपने जुटा पाता था, शेष पैसे के लिए कर्जा लेता था प्रदेश या केंद्र की तरफ मुंह ताकता था। जी, इस बजट में हम 45-46% अपने संसाधनों से जुटा रहे हैं, शेष पैसे के लिए हमें केंद्र की तरफ देखने की और अन्य कर्जे की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, अन्य कर्जे का नाम आपने ले लिया, दिलीप भाई भाई बता रहे हैं। दिलीप प्रश्न भाई बता रहे हैं। दिलीप भाई थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए विवेक भाई को। जी, ये खुद ही कह रहे हैं ना कि जो संसाधन है वही संसाधन से हम जुटाएंगे। जी, विवेक जी ने कहा जी, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो संसाधन थे जी, उससे हम पहले 33% जुटा पाते थे, अब हम 45% उसका मतलब क्या, संसाधन क्या थे? जी, संसाधन थे टैक्सेस। बिल्कुल, टैक्सेस कौन देता है? जी, जनता देती है। बिल्कुल, तो जनता से पहले 33% कलेक्शन होता था, अब 45% कलेक्शन होता तो जाहिर सी बात है क्या, जनता के ऊपर तो टैक्स बढ़ाएंगे जी, और कहां से लाएंगे? जी बिल्कुल, नए एवेन्यू कौन से आप खोल रहे हैं? जी, जाहिर सी बात है कि आप जनता के ऊपर बोझा बढ़ाएंगे और यही हो रहा है जी, और यही होना है। अच्छा, डेवलपमेंट जनता की कॉस्ट पर ही हो रहा है। अच्छा, और सरकार की या राजनीतिक पार्टियों की कॉस्ट पे नहीं हो रहा है। अच्छा, और देखिएगा आप कि डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाएगा उसका बोझा जनता के ऊपर पड़ता चला जाएगा। जनता को राहत नहीं है, जनता की इनकम बढ़ाने का कहीं कोई कहीं कोई वो नहीं है कि आप ठीक है आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा प्रदेश के लिए अच्छा होगा, एक्सप्रेसवे बनेंगे, मेट्रो बनेंगे, सब चीजें ठीक है, बहुत बढ़िया है, सब चीजें होना चाहिए, बढ़िया है। हाँ, लेकिन अगर पैसा मुझे ही देना है तो फिर मेरे लिए लाभ क्या होगा? फिर सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं क्या वो कल्याणकारी नीतियां खाली राशन के बांटने तक हैं? फ्री सिलेंडर, फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी, फ्री ये फ्री वो देने तक का है? अगर मैं मिडिल क्लास जनता हूँ तो मुझे राहत कहाँ से मिले? मेरे लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप अगर मेट्रो चलाएंगे तो मेट्रो अगर बिजली की कॉस्ट बढ़ेगी तो आप बिजली की कॉस्ट मेट्रो मेट्रो रेल से वसूलेंगे और मेट्रो रेल किराए के रूप में हमसे वसूलेगा, तो अल्टीमेटली तो पैसा मेरे ऊपर आना है ना। और मुख्यमंत्री जी ने साफ भी कर दिया कि हम संसाधनों से इतना लेते तो उससे ज्यादा लेंगे, कह दिया जनता तैयार रहे। दिलीप भाई परेशानी की बात ये जो बजट आवंटित हो रहा है वो सही से खर्चा नहीं हो रहा, अगर वो खर्च हो तो उससे जनता को रोजगार मिले, जनता को उसके उससे कुछ फायदा नहीं, नहीं उससे उससे रोजगार नहीं मिलेगा। तक भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप हर विपक्ष जो है हर विपक्ष इस बात पे जोर दे रहा है भाई कि बजट नहीं खर्चा हो रहा है, बजट नहीं खर्चा हो रहा है। अरे बजट खर्चा नहीं हो रहा है तो सरकार के पास पैसा बची तो रहा है। सुनील भाई, सुनील भाई, खर्चा हो जाता है, पैसा खर्चा हो रहा है, वही भ्रष्टाचार हो रहा बन जाएगी। इनके राकेश अचान बात पर लाट दी है, वो ले लेते हैं, उसमें कार्रवाई नहीं होती, जल जीवन निगम सड़क का घोटाला इतना बड़ा हो गया, उसे भ्रष्टाचार भी लगाना पड़ रहा है। अगर बचा है, अरे राकेश अचान प्लाट है, जब पात्र पात्र प्लाट लिए बैठे हैं, ये भ्रष्टाचार पार्टी के सांसद कार्रवाई नहीं हो रही है भाई, सरकार लगातार भ्रष्टाचार बढ़ाती जा रही है। तभी समाज है, तभी समाज शांत है, तभी समाजवादी पार्टी शांत है क्या? समाजवादी पार्टी रमन भाई, तभी आप शांत है 72 प्लॉट के मामले पर बोल रहा है आपके सांसद? शांत नहीं, शांत होने का विषय नहीं है, ये डिबेट का डेकोरम है जी। मुझे लगता है सबको इसको सीखना चाहिए। आपने आप हमारे मुखिया हैं, आप हमको समय देंगे तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आपको बोलना, आपको बोलना है, बोलिए। अब आपने पूछा है तो मैं आपको जवाब दूंगा जी। जी, हमारे वहाँ बहुत सारे लोगों ने पाप किया जी और इनकी वैतरणी पार करके चले गए। अच्छा, वैतरणी कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने पाप किया, वो मुख्यमंत्री बन गया हेमंत विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा है वो जी, उसके पीछे सीबीआईडी लगी हुई थी। अच्छा, शिंदे ने पाप किया, उसके पीछे सीबीआई आईडी इनकम टैक्स सब लगी हुई थी, नार्को टैक्स भी लगी हुई थी। अच्छा, वो मुख्यमंत्री बन गया, उसका पाप धुल गया। अच्छा, तो इनके वहां सिस्टम यह है, पाप करो, पैसा कमाओ, इनकी पार्टी में चले जाओ, वैतरणी पार हो गई, खत्म हो गया। अच्छा, हमारे वहां पाप किया था तो आप 72 आप उसका 72 प्लाट क्या 6 साल से इंतजार कर रहे थे हमको बताने के लिए? क्यों नहीं 72 प्लाट आपने वापस ले लिया? अच्छा, अब आप शिंदे से कब वापस ले रहे हैं? हेमंत विश्वकर्मा से कब, हेमंत विश्वकर्मा से कब वापस ले रहे हैं? ये आपको बताना पड़ेगा। ये आप समाजवादी समाजवादी कह के कब तक जिंदा रहेंगे? पंडित नेहरू कह के कब तक जिंदा रहेंगे जी? या ये सतेंद्र जैन, सतेंद्र रेन जैन कह के कब तक आप जिंदा रहेंगे जी? आपको अपने दुष्कर्म बताने पड़ेंगे जनता को, नहीं बता रहे हैं तो जानना पड़ रहा है। आप इतने डरपोक हैं, एक महिला ने गाना बना दिया,
और उसको नोटिस जारी कर दिया, अवैध नोटिस जारी कर दिया जी, बिना एफआईआर दर्ज हुए 164 का जो है संबंध नहीं दिया जा सकता है जी, या सुप्रीम कोर्ट का आदेश डर गए क्या, सीआरपीसी का है जवाब लेता हूं, इतने डरपोक ये लोग हैं, जवाब ले लेता हूं कि कुछ भी कह दीजिए तो ये दूसरे समाजवादी आम आदमी पार्टी चिल्लाने लगते हैं या कांग्रेस चिल्लाने लगते हैं, अपने बताइए आप शासन में हैं जी, पिछले 8 साल थे और 6 साल थे आप शासन में, जवाब जवाब दीजिए, विवेक जवाब दीजिए। गौरव जी, जिस विषय को उठा रहे हैं सचान जी के विषय को जी, वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, आपके बैठनी बोल रहा है कि पाप करो बैठनी में ना हो आ जाओ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उसी समय के, उनको अलॉटेड प्लाट है, हमने उस पर जांच का आदेश दे दिया है, 6 साल लग गया बता रहे हैं, संज्ञान में आया उस पर कार्रवाई हो गई जी जी, और वो खुद भी एक बार प्लाट ऑफ सरेंडर करने का पत्र दे चुके थे, अच्छा पहले ले लो बाद में सरेंडर कर दो, और जो ये कह रहे देखिए है क्या हमारे यहाँ, इनके यहाँ मंत्र क्या है, इनके यहाँ इस तरह के पापियों को नेतृत्व का संरक्षण हासिल रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नेतृत्व का संरक्षण नहीं रहता, हमारे यहाँ कार्रवाई हो जाती है, इन लोगों में यहाँ कार्रवाई नहीं होती, और जो भारतीय जनता पार्टी की बार बार बात कर रहे हैं तो देखिए जब आप कभी संगम पे जाते होंगे तो वहाँ लिखा मिलता है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, हमारे यहाँ तो पापी भी आके पाप से मुक्त हो जाते हैं, पाप का आचरण छोड़ देते हैं। आज दिल्ली को शैली उपराय के नाम पे बीजेपी ने बहुत रोक लगाई थी, बहुत दिन से चुनाव है, चुनाव चुनाव तरीका और रोक नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट ने नोट दे दिया, चुनाव है चुनाव में हाथ लाल का फेल हो गया, ये चाह रहे सुनील भाई, सुनील भाई बोला शैली उपराय खुशी का दिन है, सुनील भाई कितना जाता, आखिरी कमेंट सुनील त्रिपाठी बोले, शैली उपराय आखिरी कमेंट सुनील त्रिपाठी, ठीक है आखिरी कमेंट सुनील त्रिपाठी बोलिए, एक सवाल ये भी है जय बोलिए कि क्या आपकी पार्टी बैतरणी नहीं है, किसकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अच्छा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो भाजपा से ही आए हैं, अच्छा और आपने सिरोधार्य कर लिया, अच्छा तो क्या आप बैतरणी नहीं है, अच्छा बैतरणी पूरे प्रदेश को आके दंगल में झोंक दिया, आके दंगल समझ नहीं पाया, पूरा प्रदेश देखिए रामायण को लेके हाँ। बवाल मचा हुआ है, अच्छा तो गौरव जी ने अखिलेश जी उसमें बोलने मना कर दिया, नहीं बोलेंगे मना कर दिया, बैकफुट पे है, बैतरणियां तो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुझे मैं जवाब दूंगा, मना नहीं कर सकता, एक सेकंड आरपी जी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए श्री भाई, समय का जल्दी बोलिए, 30 सेकंड बोलिए, ऐसा है कि टैक्स के मामले में तो देखिए साथ हूं कि आप रोड टैक्स भी ले रहे हो, अच्छा टोल टैक्स भी ले रहे हो, अच्छा तो दो टैक्स किस बात के होने चाहिए, अच्छा ये मेरी समझ नहीं आ रहा, सरकार जो भी सरकार रहती है रोड टैक्स अलग टोल टैक्स अलग, एक टैक्स तो जनता को छोड़ दो आप, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और ऐसे इतने टैक्सेस लगा दिए गए जनता के ऊपर, वो कोई भाजपा नहीं, अब जनता जनार्दन देती रहेगी, जनता जनार्दन है लेकिन कहां जनार्दन रहेगी, ये बोझ कब तक जनता झेलेगी आपका, आपके पास 5 गाड़ियां चाहिए, 20 गाड़ी चलने के लिए चाहिए, और जनता के पास क्या चाहिए, रोटी और लंगोटी और खान आवास, उसमें भी दिक्कत जनता को रही गौरव जी, अच्छा। तो इस बजट से हम संतुष्ट व्यक्तिगत तो नहीं है क्योंकि इनके अब पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल डीजल जो है आर्थिक रीढ़ है हमारी, जैसे वो बढ़ता है सारी चीजें बढ़ जाती है, आखिरी कमेंट बोलिए, जवाब दे रहे थे रमन भाई, ठीक है आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद, तो यहाँ चर्चा थी बहुत महत्वपूर्ण कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का बजट आया है, बड़े प्रदेश का बड़ा बजट आया है, उस पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया है, ये बजट से लाभ क्या होगा, ये बजट उम्मीदों का बजट है, ये बजट विश्वास का बजट है, यह बजट चुनावी है, फिलहाल सबकी अपनी राय थी और सबकी राय यहाँ पर एक है कि बजट तो आया है, यहाँ पर पूरा कैसे होगा, इस बजट के लिए पैसे का प्रावधान कहाँ से किया जाएगा, किस तरह जनता तक पहुँचाया जाएगा, खैर योजना है, कोई इसको कॉर्पोरेट बजट बोल रहा है, कोई इसको जनता का बजट बोल रहा है, फिलहाल सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने विचार है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बजट आया है, गृहस्थी पे क्या प्रभाव डालेगा, आम जनजीवन पे क्या स्थिति रहेगी, और इस बजट के माध्यम से योगी सरकार कितने मामलों को साधती नजर आएगी, निकाय चुनाव भी है, आम चुनाव भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक नीति है उस पर ये कहाँ तक खरा उतरता है, सबसे बड़ा प्रश्न है, नीति बनेगी, बजट पेश भी हो चुका है, अब कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई शायद यहाँ पर अगर बेहतर तरीके से होगी तो कुछ क्रियान्वयन भी होगा और जनता के लिए कुछ बेहतर भी हो सकेगा, बजट आते रहेंगे और गृहस्थी पर चलती भी रहेगी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है बजट से आम जनता को कितना लाभ मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बजट के माध्यम से जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है वो दौर चलता रहेगा, और बजट के माध्यम से कितना लाभ आम जनता को मिलेगा और जनता किसको जनाधार देगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा, तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।